हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज का जो क्राफ्ट होने वाला है ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बजट फ्रेंडली क्राफ्ट होने वाला है। इसे बनाने के लिए मैंने अपने घर में पड़े बेकार सी फूल वाली झाड़ू का यूज किया है। झाड़ू के बैक साइड वाले प्लास्टिक को हम निकाल लेंगे और जब इस प्लास्टिक को हम निकालेंगे तो इसके अंदर से हमें कुछ इस तरह का स्टिक मिल जाता है। तो देखिए, मैं इसे इस तरह से अरेंज कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसे अरेंज करना बहुत आसान है। सभी झाड़ू में इस तरह की स्टिक नहीं होती है, पर मैंने जो झाड़ू यूज किया है इसमें इस तरह की स्टिक है, तो मैं इसका अपने क्राफ्ट में यूज कर रही हूँ। आप जिस झाड़ू का यूज करते हैं उसमें जिस भी तरह की स्टिक होती है, आप उसे इस जगह पे यूज कर सकते हैं। अरेंज करने के बाद हम ग्लू गन की हेल्प से इसे इस पे चिपका लेंगे। देखिए, चिपकने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसके बाद हम झाड़ू के बैक साइड वाले कवर को लेंगे और उसे बीच से कट कर लेंगे। क्योंकि ये काफी लंबा होता है तो हमें जितनी जरूरत है बस हम उसे उतना रखेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा जो हमारा कवर है उसे हटा देंगे। हमने जो सारे स्टिक को अरेंज करके चिपकाया था, बस मैं उसे अब कलर कर लूंगी। कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज किया है। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी कलर पसंद है आप उस कलर से इसे कलर कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास थोड़े से बचे हुए ऊन है तो मैं इस ऊन का इस्तेमाल इसमें करूंगी। मेरे पास ये दो कलर के ऊन है तो मैं इन दोनों कलर के ऊन को इसके ऊपर चिपकाऊंगी। चिपकाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे फेविकॉल लगाया है और बस मैं इसे आसानी से इस पे ऐसे लपेटते जाऊंगी। ये बहुत ही आसानी से इस पे चिपक जाएगा। अगर आपके पास घर में पड़ा हुआ ऊन है तो आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी रस्सी यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई पुरानी लेस है तो आप उसे भी इस पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसे और डेकोरेट करूंगी और उसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ लेस ले लिया है और बस इस लेस को मैं इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से पे चिपका दूंगी। आपके पास अगर लेस है तो आप लेस को चिपका सकते हैं या फिर आप इस पे कोई स्टोन चिपका सकते हैं या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेस चिपकाने के बाद हम इसे इस पे अच्छी तरह से चिपका देंगे। बस हम इसके सेंटर पे थोड़ा सा ग्लू गन की हेल्प से ग्लू लगाएंगे और इसे हम इस पे चिपका देंगे। इसके बाद हम इस पे थोड़ा सा स्टोन चिपका देंगे जिससे इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। तो बस हमारा क्राफ्ट बनके हो गया है तैयार।
है ना ये बहुत ही बजट फ्रेंडली क्राफ्ट, तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।